नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम गर्मियों में हमारी बॉडी को ठंडक देने वाला एक शरबत बनाएंगे। तो ये बेल फ्रूट से बनता है, बहुत इजी है इसे बनाना। तो आइए इस टेस्टी से शरबत को हम बनाते हैं। ये देखिए बेल फ्रूट है, ये बिल्कुल पका हुआ है, मार्केट में इजीली मिलता है। और इसे एक बेलन की हेल्प से आप इस तरह तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाएगा ये। और छिलके को और फ्रूट को आप इस तरह अलग कर लीजिए। बहुत ही गूदेदार फ्रूट होता है ये और बहुत सारा रेशा होता है इसमें। तो सबसे पहले तो आप छिलके पर जो अंदर गूदा लगा हुआ है उसे स्पून से इस तरह निकाल लीजिए, आराम से निकल जाएगा ये। और उसके बाद जो ये फ्रूट है इसको देखिए, आप इसमें तोड़ेंगे तो इसमें बीच बीच में लाइन के साथ इसमें बीज लगे होंगे, तो ये बीज हमें निकाल देने, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। तो आप कोशिश करिए कि सारे बीज इजीली निकाल लें। और बीज के साथ मिक्सी में तो बिल्कुल ना चलाए, बिल्कुल कड़वा जूस हो जाएगा। तो ये देखिए ज़्यादा फैले हुए नहीं होते हैं ये, आप खोलेंगे तो एक एक लाइन में लगे हुए होते हैं। और देखिए कितने सारे बीज इसमें से निकाल लिए हैं। तो ये भी सारे बीज निकल चुके हैं। और इसको अब हाथ से ही मैश करते हुए इसका हम गूदा बना लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से हाथ से इसको मैश कर लेंगे। और इस तरह से रेशा देखिए इसमें से निकल जाएगा। अभी इसका पल्प तैयार है, लेकिन इसे अभी हमें छानना है। तो मोटी वाली छलनी लें जिसमें से मोटा वाला निकलता है नीचे से गूदा। बहुत बारीक छलनी लेंगे तो आप उससे निकाल नहीं पाएंगे इसका गूदा। तो इस तरह चम्मच से दबाते हुए आप इसका सारा पल्प निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह सारा पल्प निकल आएगा और ऊपर ये रेशा इसका निकल जाएगा। तो ये जो मेन हमें बेल का जो पल्प चाहिए वो रेडी है। अब इसमें टेस्ट से आप चीनी डालिए, कई बार ये बहुत मीठा होता है तो चीनी कम डालनी होती है। अब इसमें हम बर्फ़ डालेंगे और इस एक बेल से लगभग हमारे 4 गिलास बहुत आराम से रेडी हो जाएंगे। और ठंडा पानी डाल के आप ये शरबत तैयार कर लीजिए और चीनी इसमें अच्छे से मिला लीजिए। तो ये बहुत इजीली देखिए आप ये घर में ये बेल का शरबत हमारा तैयार हो गया है। और इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में ठंडक देता है हमें, लू से बचाता है। और बाहर से अच्छा आप इसे घर में ही बना कर पीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।